परशुराम की जय। जय परशुराम। मैं राज शेखावत प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ब्राह्मण युवा शक्ति के आयोजनकर्ताओं को सादर प्रणाम करता हूं और मंचस्थ समस्त आदरणीयों को मेरा जय परशुराम, जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। मैं आभारी हूं ब्राह्मण समाज का कि आज मुझ नाचीज को इस शुभ अवसर पर याद किया, मुझे निमंत्रित किया। माफी चाहूंगा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि राष्ट्रीय करणी सेना जो कि क्षत्रियों का संगठन जरूर है, साथ ही साथ हिंदूवाद में भी बिलीव करता है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वादा करती है कि जब भी ब्राह्मण समाज के किसी भी संगठन को इस क्षत्रिय समाज की जरूरत पड़ती है, पूरा करणी सेना उनके साथ खड़ा होगा। ये मेरा वादा है और जो राज शेखावत बोलता है वो पक्का करता है और जो नहीं बोलता है वो भी जरूर पड़ने पे डर जाता है। इसीलिए मैं ये जरूर ये भी चाहूंगा, मैं जो आगेवान है ब्राह्मण युवा संघ के उनसे मैं बात करूंगा कि हो सके तो एक गठबंधन की प्रक्रिया मैंने शुरुआत की है कि जो भी छोटे मोटे संगठन हैं उनके साथ करणी सेना गठबंधन कर रही है। और ऐसा कुछ नहीं कि करणी सेना अपना हाथ ऊपर रख रही है, नहीं, जिससे भी गठबंधन करणी सेना कर रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी और राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में जो भी योगदान हम दे पाए उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हम मिलजुल के काम करेंगे, समान हक हम सभी संगठनों को मिलेगा। तो मेरा एक विजन है ताकि हिंदूवाद हम भारत देश में कायम कर सके। बाकी रहा परशुराम जी के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। परशुराम का गुस्सा तोबा, तो ब्राह्मण देवताओं से पंगा हम नहीं ले सकते भाई, कभी भी सृष्टि का नाश कर सकते हैं। मैं परशुराम जी ने भी तो किया था, तो मैं आदर करता हूँ। परशुराम जी तो बहुत बड़े देव थे, भगवान थे और हैं। मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ परशुराम जी के चरण में और मैं वादा करता हूं कि जब भी जरूरत पड़ती है मेरे बबलू भाई को या इस संगठन को या किसी ब्राह्मण संगठन या किसी भी संगठन को तो राज शेखावत को 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम जरूर समाज सेवा राष्ट्र निर्माण में साथ में आके खड़े होंगे। जय परशुराम। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी, जय भवानी।